टेंशन। तो फ्रेंड्स, आया है रक्षाबंधन का त्योहार, हो जाइए ढेर सारे रेसिपीज के लिए तैयार, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था और उसकी लिंक मैंने ऊपर भी दी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट, वो भी फरेरो रोशन टू टाइप्स की, मेरे स्टाइल में तशवीश रोशन। तो चलिए, आर यू ऑल एक्साइटेड? आई नो, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना, नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो नीचे वाले कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड नो वरी, मैंने इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिखे हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट अवर चॉकलेट रेसिपी। तो फ्रेंड्स, तशवीश रोशन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास में है बारीक कटे हुए वॉलनट, हेजलनट, बारीक कटे हुए काजू के पीसेस, हेजलनट नटेला, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, फ्रेश क्रीम, सम क्रंची शेल्स। तो फ्रेंड्स, तशवीश रोशन बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे शेल्स रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को हमारे शेल के अंदर नटेला फिल कर देना है। और अब एक हेजलनट इसके ऊपर रख देना है। अब दूसरे के अंदर भी फिल करना है और अब इसके ऊपर ऐसे कवर कर देना है। अब हमको इसी तरह से हमारे सारे शेल्स रेडी करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे शेल्स रेडी हो गए हैं। तो अब हम लोग को इसको 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी तशवीश रोशर्स फ्रीजर में हैं, तब तक हम लोग को हमारी डार्क कंपाउंड चॉकलेट को 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करना है। फिर उसको मिक्स करके चेक करना है, अगर वो मेल्ट नहीं हुई है तो आप उसको 30 सेकेंड्स मोर माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए रखिए। अगर वो मेल्ट हो गई है देन वेल डन। फ्रेंड्स, मैं एक और टाइप की तशवीश रोशन रेडी करती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मेरी मेल्टेड चॉकलेट एक बॉल के अंदर निकाल लेनी है। अब थोड़े से वॉलनट के पीसेस। फ्रेंड्स, अब हम लोग को इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ने हमारी फ्रेश क्रीम ऐड की टाइम ये गाढ़ी बन गई। तो देखिए, आप हमारी तशवीश रोशन की फिलिंग रेडी है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास में नटेला नहीं है या फिर हेजलनट नहीं है, तो आप का बना के शेल्स के अंदर डाल सकते हैं। अब हम लोग को एक शेल के अंदर भर देना है। इसी तरह हम लोग को सारे शेल्स हमारे रेडी करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे शेल्स रेडी हैं। अब हम लोग को इसको 5 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हेजलनट वाले ये शेल्स के बाद में रेडी हैं। तो अब हम लोग इसकी आउटर कोटिंग बना लेते हैं। आउटर कोटिंग बनाने के लिए इधर मैंने छोटे छोटे पीसेस काजू के लिए हैं, इधर मैंने डार्क कंपाउंड मेल्टेड चॉकलेट ली है, और ये एक ट्रे है जिसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल चारों तरफ लगा दी है। फ्रेंड्स, हम लोग को इसमें 1 टेबल स्पून डाल देना है पहले तो काजू के पीसेस। अगर कम लग रहे हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। हमारी आउटर कोटिंग रेडी है।
अब हम लोग को इसमें शेल डाल देना है हमारा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग को हमारे सारे शेल्स कोटिंग से रेडी कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दूसरे वाले शेल्स भी रेडी हो गए हैं जिसमें हम लोग ने हेजलनट नहीं डाला था, तो उनको भी इसी तरह से चॉकलेट में डिप करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग को हमारे सारे शेल्स रेडी करने हैं। हम लोग को इन दोनों ट्रे को फ्रिज में रख देना है 5 to 10 minutes के लिए। फ्रेंड्स हमारी सारी फ्रिज रोशर्स रेडी है, तो चलिए अब हम लोग इसको मार्केट स्टाइल में पैक कर देते हैं। ये फ्रेंड्स इधर मैंने हेजलनट वाला लिए है और इधर मैंने वॉलनट वाला लिए है। तो ये पैकिंग पेपर गोल्डन कलर के पैकिंग पेपर आपको इजी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उनसे हम लोग को इनको रैप कर लेना है। इसी तरह से हम लोग को गोल्डन कलर से हेजलनट वाले को रेडी कर देना है और सिल्वर कलर से वॉलनट वाले को रेडी कर देना है। देखिए फ्रेंड्स मेरी सारी यम्मी तस्वीर सक्सेस रही है और मैं भी इन्हें खाने के लिए रेडी हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट देम। ना मुझे तो फेरेरो रोशर चॉकलेट बहुत पसंद है, आप लोग को भी पसंद होगी। और आज तो मैंने मेरी स्टाइल में तस्वीर रोशर्स एट होम बनाई है। तो फ्रेंड आप इसको एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक, गिफ्ट भी कर सकते हैं इसको मेरी तरह, इस तरह से पैक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और यम्मी चॉकलेट रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स अब मुझे ज्यादा बातें तो करनी नहीं है, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए चलिए से खा रहे और आप जैसे पेशीज राशन्स बना रहे। यम्मी।